प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आईओसीएल की बिक्री अधिकारी अक्षिंदर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज टू का कार्य चल रहा है। इस योजना के तहत अभी भी बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के पहले चरण में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को शामिल किया गया था, मगर अब इसमें संशोधन कर इस योजना को देश के उन सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। आईओसीएल के बिक्री अधिकारी अक्षेंद्र सिंह ने बताया कि जिन बीपीएल परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीपीएल परिवारों को केवाईसी फॉर्म, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक, परिवार में शामिल 18 से ऊपर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड व बीपीएल परिवार में शामिल होने का प्रमाण पत्र दर्शाना, 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र गैस वितरक के पास जमा करवाना होगा। इसके आधार पर बीपीएल परिवारों को आसानी से एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 6 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 7,000 और मंडी जिला में 29,900 कनेक्शन जारी हो चुके हैं। हाँ, हमने आज एक यहाँ पे सभा आयोजित की थी जिसका मेन मकसद था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताना। पहले इस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम स्पेसिफिक लोगों को ही कनेक्शन देते थे, जैसे SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अब हमने इसको जनरल कर दिया है, कोई भी बीपीएल परिवार है उसको हम उज्ज्वला के अंतर्गत कनेक्शन दे सकते हैं। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, राशन कार्ड कॉपी और एक 14 पॉइंट का फॉर्मेट जमा करके गैस एजेंसी में देना है। सर, अब तक हमने ऑल ओवर इंडिया में लगभग 6 करोड़ उज्ज्वला के अंदर कनेक्शन काट दिए हैं और हिमाचल में भी लगभग इस साल भी हमने 60,000 कनेक्शन काट दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी में सर इंडियन ऑयल ने इस साल 2017-18 में 2990 कनेक्शन काटे। जिनके सर खाते में सब्सिडी नहीं आ रही पहले, तो उनको एक काम करना है, अपना आधार कार्ड एजेंसी में देना है। अगर उन्होंने आधार कार्ड एजेंसी में दिया है तो उसके बाद उसको बैंक में देना है। अगर उन्होंने दोनों जगह दिया है और फिर भी सब्सिडी नहीं आ रही है, तो उनको अपने बैंक अकाउंट की कॉपी लाके सिर्फ अपनी एजेंसी में जमा करानी है और सब्सिडी आना चाहिए।